मंदसौर जिले के धुंधलड़का वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकों को लेकर पहुंची भीड़ हुई अनियंत्रित, लोगों का टूटा सब्र का बांध। तैनात पुलिस कर्मियों ने लाठियों से बेकाबू भीड़ पर नकारते हुए सेंटर में जा घुसी। अव्यवस्थाओं को देखकर लोग बोले, टोकन वितरण में हो रही नेतागिरी, स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बनाकर मिलने वाले तक पहुँच रहे हैं टोकन। जी हाँ, कोरोना टीकाकरण के लिए सेंटरों पर अव्यवस्थाओं को लेकर अब और भी हालात बिगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। कोरोना जैसे हालातों से जंग जीतने के लिए अब लोगों में उत्साह तो देखा ही जा रहा है, लेकिन सेंटरों पर अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे ही हालात शुरुआत से ही मंदसौर जिले के धुंधलड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन केंद्र पर देखने को मिल रहे हैं। सेंटर पर हर बार धुंधलड़ा का सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों की बेकाबू भीड़ को लेकर अव्यवस्थाओं जैसी हालातों की सुर्खियां धुंधलड़ा का सेंटर बटोरता आया है। ऐसे ही बिगड़ते हालातों ने कहा कि यहां कल सारी हदें पार कर दी। कोविड नियमों को ताक पर रखकर सेंटर पर उमड़ी अनियंत्रित भीड़ में यहां तैनात पुलिस बल को भी नहीं बख्शा गया। टीकाकरण से पहले टोकन लेने वालों की होड़ में यहां सेंटर से बाहर लोगों की भीड़ को में जमकर धक्का मुक्की होती रही। हालातों से निपटने के लिए तैनात पुलिसकर्मी भी अपना रौब जताते रहे। हालांकि अव्यवस्था नहीं हो इसके लिए 3 डोज से तकरीबन 800 लोगों की अनियंत्रित भीड़ पुलिस बल की मौजूदगी में सेंटर के मुख्य द्वार को लांग कर अंदर तक जा पहुंची। बेकाबू हालातों को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने टोकन वितरण सिस्टम बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन की इस घटनाक्रम को रोकने में सफल नहीं हो सका। जनहित में कार्य को लेकर यह पुलिस जवान अपनी लाठी डंडे का आरोप भी नहीं कर पाए। हालांकि बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने बल बढ़ाकर अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर कर सेंटर से बाहर किया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छुटभैया नेता अपनी नेतागिरी के दम पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों का दबाव बनाकर प्रशंसकों तथा मिलने वालों को सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सेंटर में सुरक्षा हेतु कार्यकर्ता के रूप में कुछ लोगों द्वारा टोकन वितरण सिस्टम की धांधलियां करने का आरोप प्रत्यारोप लोगों ने यहां लगाते हुए बताया कि अगर ऐसे हालात रहते हैं तो आम व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा। वृद्ध महिला और पुरुष हर बार घंटों कतारों में लगे रहने के बाद भी टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। ग्राम रिच्छालाल मोहा निवासी गोपाल कृष्ण पाटीदार ने बताया कि घंटों तक कतार में खड़े होने पर टोकन लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में मुख्य द्वार पर हालात बिगड़ने के बाद टोकन नहीं मिल सका। अव्यवस्थाओं के कारण इस तरह के हालातों के कारण सेंटर में सैकड़ों ग्रामीणों ने यहाँ की हर बार मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए मंदसौर से अजय शर्मा की खास रिपोर्ट।